नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम गैबापिन एमटी टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। गैबापिन एमटी टैबलेट का मुख्य तो उपयोग न्यूरोपैथिक पेन की समस्या दूर करने के लिए किया जाता है। गैबापिन एमटी टैबलेट के बारे में अधिक विस्तार से जानते हैं। यह टैबलेट कैसे काम करती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, इस टैबलेट के क्या बेनिफिट्स है, क्या साइड इफेक्ट्स है, इस टैबलेट से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इंटास फार्मास्यूटिकल कंपनी की 15 टैबलेट की यह स्ट्रिप आपको 408 यानी कि 408 रुपये में किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। गैबापिन एनटी टैबलेट में गैबापेंटिन 400 mg और नॉरट्रिप्टिलिन 10 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद गैबापेंटिन यह एक अल्फा 2 डेल्टा लिगेंड है जो तंत्रिका कोशिकाओं की कैल्शियम चैनल गतिविधि को संशोधित करके दर्द को कम करता है और नॉरट्रिप्टिलिन यह एक ट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है जो केमिकल मैसेंजर के स्तर को बढ़ाता है जो मस्तिष्क में दर्द के संकेतों की गतिविधियों को रोकता है। बात करते हैं इस टैबलेट के यूजेस की। डॉक्टर इसे किन किन समस्या में इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग न्यूरोपैथिक दर्द, मिर्गी आना, डिप्रेशन, नसों में दर्द, इन सभी समस्या में डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं इस टैबलेट के डोज के बारे में। आप अपनी समस्या और एज बताकर इस टैबलेट का डोज अपने डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट से पूछ ले। याद रखे दोस्तों, इसका डोज आपके बीमारी और आयु पे निर्धारित रहता है, इसकी वजह से इसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें। बात करते हैं इस टैबलेट के साइड इफेक्ट की। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि बताए गए साइड इफेक्ट्स महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इस टैबलेट से आपको मितली, उल्टी, दस्त, कब्ज, सिर दर्द, थकान, दोहरी दृष्टि, चक्कर आना, यह साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बात करते हैं यह टैबलेट यूज करने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है या फिर कोई साइड इफेक्ट्स महसूस होते हैं तो इसका इस्तेमाल ना करें। यदि आप कोई और मेडिसिन ले रहे हो तो उसके बारे में डॉक्टर को जरूर इन्फॉर्म करें। यदि आपको लीवर, किडनी या फिर हार्ट से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो इसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें। यदि आपको बायपोलर डिसऑर्डर या फिर सिजोप्रेनिया जैसी बीमारी हो तो इसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें। यदि आपको मन में कोई आत्मघाती विचार आते हो तो इसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें। यदि इस टैबलेट का इस्तेमाल गर्भवती महिला को करना हो तो गायनोकोलॉजिस्ट की सलाह जरूर ले, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। यह टैबलेट लेने से पहले या फिर बाद में अल्कोहल का प्रयोग ना करें। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और मेडिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।